म्यूजिकल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा सॉन्ग आराधना मूवी से मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आइए फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का लेसन शुरू करने से पहले इस गाने के अंदर जिन जिन स्वरों का प्रयोग किया गया है आइए जल्दी से उनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम आज का लेसन शुरू करते हैं। और आज हम सबसे पहले इस गाने की स्थाई बजाना सीखेंगे, उसके बाद अंतरा, और लास्ट में इस गाने का फर्स्ट म्यूजिक बजाना सीखेंगे, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया होगा। तो आइए आज जिन स्वरों का प्रयोग किया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम इसका स्केल जान लेते हैं। ये सॉन्ग हम बी फ्लैट माइनर यानी पांचवे काले से बजा रहे हैं। हमें जिन जिन सुरों का प्रयोग किया गया है वो इस प्रकार से है, सा, रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, सा। और तार सप्तक में ये गाना पा तक जाएगा, जिसमें रे, गा, मा और पा ये सभी स्वर प्रयोग में ला जाएंगे। आइए गाने की स्थाई बजाना सीखते हैं। स्थाई ये फर्स्ट लाइन कुछ इस प्रकार से है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। पापा सा 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 नी रे 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 नी सा 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 सा। आइए इसकी सेकंड लाइन जान लेते हैं। इसकी सेकंड लाइन कुछ इस प्रकार से है, आई रुतु मस्तानी कब आएगी तू। पापा सा 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 नी रे 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 नी सा नी धा धा। आइए दोस्तों अब इसके आगे की लाइन देखते हैं। इसके आगे की लाइन कुछ इस प्रकार से आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। पापा सा 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 नी रे 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 सा मा 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 मा। स्थाई की लास्ट लाइन कुछ इस प्रकार से है, चलिया आ तू चलिया। मगरे मां मगरे सा। दोस्तों यहाँ इसकी स्थाई कंप्लीट होती है। आइए मैं अब आपको पूरी स्थाई बजा के दिखाता हूँ। और स्थाई की फर्स्ट लाइन के बाद इसमें एक फिलर बसता है बैकग्राउंड म्यूजिक में। आइए वो भी हम सीखते हैं कि हमें स्थाई के साथ उस बैकग्राउंड म्यूजिक यानी फिलर को किस प्रकार से बजाना है। आइए हम फिलर के बारे में जान लेते हैं। तो फिलर कुछ इस प्रकार से बजा हुआ है, रे पा रे गा सा, रे पा रे गा सा। ये फिलर स्थाई की फर्स्ट लाइन के बाद बजेगा। आइए देखते कैसे। तो देखा दोस्तों आपने इसमें फिलर किस तरह की से बजाना है। जब हम फर्स्ट लाइन बजाएंगे फर्स्ट लाइन खत्म होते ही हमें ये फिलर बजाना है, रे पा रे गा सा। फिलर के साथ अब मैं आपको पूरी स्थाई बजा के दिखाता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने के बाद इसे किस प्रकार से बजाना है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार स्थाई हमारी कंप्लीट होती है। आइए अंतर की पहली लाइन कुछ इस प्रकार से है, फूल सी खिल के
इसकी नेक्स्ट लाइन, इसकी नेक्स्ट लाइन भी फर्स्ट लाइन की तरह बिल्कुल सेम है, वो किस तरीके से? पासा दिल के पाधा सा धा पा पा। आइए मैं आपको दोनों लाइनें बजा के दिखाता हूं। दोनों लाइनें बिल्कुल सेम बजेगी। आइए दोस्तों अब इसकी आगे की लाइन देखते हैं। इसके आगे की लाइन कुछ इस प्रकार से है। दूर से मिल के रे साधा पारे, अवंतर की अगली लाइन देखते हैं। बिल्कुल आसान। अब अंतर की अंतिम लाइन देखते हैं। अंतर की लास्ट लाइन कुछ इस प्रकार से है। और कब तक मुझे पाएगी तू? तो दोस्तों इस प्रकार ये अंतर हमारा कंप्लीट होता है। आइए अब मैं आपको पूरा अंतर बजा के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अंतर के अंदर कुछ कॉर्ड्स बजे हुए हैं, वो भी हम जल्दी से सीख लेते हैं, क्योंकि वो अंतर बजाते समय ही हमें प्ले करने हैं, जिससे ये गाना और खूबसूरत लगता है सुनने में। जल्दी से हम उन कॉर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला कॉर्ड्स हमारा है एफ शार्प मेजर, और दूसरा कॉर्ड्स है हमारा बी फ्लैट माइनर। टू टाइम हमें एफ शार्प मेजर कोड बजाना है और टू टाइम ही हमें बी फ्लैट माइनर कोड बजाना है, अंतर की फर्स्ट और सेकंड लाइन के साथ। आइए देखते हैं कैसे बजाना है। हमें अंतर की फर्स्ट लाइन कुछ इस प्रकार से। यह हमें अंतर की फर्स्ट और सेकंड लाइन दोनों के साथ इन दोनों कोड्स को बजाना है मिलाकर दो दो बारी। कैसे? वन टू वन टू। अंतर के फर्स्ट लाइन के साथ भी ये दो कोड बजाने हैं इसी पेयर में, और सेकंड लाइन के साथ भी इसी पेयर में ये दोनों कोड बजाने हैं। आइए मैं आपको एक बार और बजा के दिखाता हूं। फूल से खिल के पास का दिल के। आइए अब इसके आगे सीखते हैं हम। अब अगली लाइन में हमें कौन सा कोड बजाना है, वो है जी शार्प मेजर। नेक्स्ट लाइन कुछ इस प्रकार से। हमें चार बारी ये जी शार्प मेजर कोड बजाना है टू टू के पेयर में। कैसे? वन टू थ्री फोर। तो इस प्रकार से हमें ये कोड बजाना है। आइए मैं आपको पूरा बजा के दिखाता हूं। आइए अब इसके आगे की लाइन देखते हैं। इसके आगे की लाइन में जो कोड्स, दो कोड्स बजे हैं, वो किस प्रकार से? एफ मेजर और बी फ्लैट माइनर। ये भी दो दो बार बजे हैं, लेकिन ये वन टू के पेयर में बजे हैं। पहला एफ मेजर, फिर बी फ्लैट माइनर, फिर एफ मेजर, फिर बी फ्लैट माइनर, यानी वन टू इस तरीके से मैंने बजाना है। आइए मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। दोस्तों आप में से किसी को कोर्स के बारे में नहीं पता, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम एक अलग से वीडियो कोर्स के ऊपर बना देंगे, जिसमें कोर्स को लेकर आपके सारे सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कोर्स कैसे बजाते हैं, कोर्स कैसे बनाए जाते हैं, कोर्स बजाने का क्या पैटर्न होता है, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आइए अब मैं आपको पूरा अंतरा इन कोर्स के साथ बजा के दिखाता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने के बाद कंप्लीटली इसे किस प्रकार से बजाना है। और अंतर के फर्स्ट पार्ट में ये कोर्ड्स बजेंगे, सेकंड टाइम एकदम सिंपल अंतरा बजेगा। आइए मैं अब आपको पूरा अंतरा विद कोर्ड्स बजा के दिखाता हूँ।
स्थाई और अंतरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको दोनों बजा कर दिखा दिए एक साथ ही, तो आइए अब हम इसका म्यूजिक बजाना सीखते हैं। म्यूजिक बजाने से पहले मैं आपको इसको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा म्यूजिक किस प्रकार है और हमें इसको किस प्रकार से आगे बजाना है और सीखना है। तो दोस्तों ये था हमारा म्यूजिक, आइए अब हम इसको सीखना म्यूजिक की फर्स्ट लाइन कुछ इस प्रकार से है। हमें सा को 6 बारी बजाना है, लेकिन हमें तीन तीन के पेयर में बजाना है, सा 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 सा। अब हम जब हम इसको तीन तीन के पेयर में कंटिन्यू बजाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बजेगा। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करने के बाद हमें इसे कुछ इस प्रकार से बजाना है। अब इसके आगे आइए दोस्तों, अब म्यूजिक की नेक्स्ट लाइन देखते हैं। म्यूजिक की नेक्स्ट लाइन के अंदर हमें रे सा इन दो स्वरों को 7 बारी बजाना है एकदम कंटिन्यू। कैसे? रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा, 7 बारी। 7 बारी बजाने के बाद हमें इसमें पा और शुद्ध धा ऐड करना है। आइए देखते हैं कैसे। एक दो तीन चार पांच छ सात, इस तरीके से हमें बजाना है। जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें ये किस प्रकार से बजाना है, आइए मैं फर्स्ट और सेकंड लाइन दोनों को मिलाकर बजा के दिखाता हूं। तो दोस्तों म्यूजिक की नेक्स्ट लाइन कुछ इस प्रकार से है। हमें धा पा 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 इन 4 स्वरों को एक पेयर में 4 बारी बजाना है। कैसे? धा पा 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 धा पा 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 धा पा 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 धा पा पा पा। जब हम इसकी खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तब हमें इसे किस प्रकार से बजाना है, आइए अब मैं आपको तीनों लाइनें मिलाकर बजा के दिखाता हूँ। म्यूजिक हमारा कहाँ तक कंप्लीट हुआ है और अभी तक हमने कितना सीखा है। आइए दोस्तों म्यूजिक की आगे लाइन देखते हैं वो किस प्रकार से बजेगी। इस लाइन के बाद हमारा एक कोर्ड बजता है, वो है बी फ्लैट मेजर। जैसा कि अभी तक वीडियो के अंदर जितनी बार भी बी फ्लैट बजा वो माइनर कोर्ड बजा है, लेकिन म्यूजिक के अंदर वो बी फ्लैट मेजर कोर्ड बनेगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से बजाना है उसको। उसकी टाइमिंग यही रहेगी 1 2 3 4। आइए दोस्तों अभी तक का म्यूजिक जहां तक हमने सीखा है मैं आपको पूरा बजा के दिखाता हूँ, फिर इसके आगे सीखते हैं। आइए दोस्तों म्यूजिक के आगे की लाइन देखते हैं। आगे की लाइन कुछ इस प्रकार से है। सा रे गा पा मा गा रे सा। आइए दोस्तों अब इसके आगे देखते हैं। जब हम इस लाइन को कंप्लीट बजाएंगे ऐसे, तो हमें ये 2 स्वर ऐड करने हैं। तो ये 2 स्वर हमें किस प्रकार से बजाना है, धापा 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 पा। आइए
आइए दोस्तों, अब मैं पूरी लैन को मिलाकर बजा के दिखाता हूँ आपको। आइए दोस्तों, अब इसके आगे सीखते हैं। इसकी नेक्स्ट लाइन भी बिल्कुल पिछली लाइन की तरह सेम थी, लेकिन उसके अंदर कुछ स्वर ऐड होंगे, वो मैं आपको दिखा दूं। बस हमें पादा 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 पा की जगह पादा नी ऐड करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आइए मैं आपको दोनों लाइनें बजा के दिखाता हूँ किस प्रकार बजानी है। बस हमें सेकेंड टाइम पाधानी ऐड कर देना और बाकी एज इट इज सेम बजेगा। आइए म्यूजिक की लास्ट लाइन को बजाना सीखते हैं। म्यूजिक की लास्ट लाइन कुछ इस प्रकार से। आइए दोस्तों, इस प्रकार ये म्यूजिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको पूरा म्यूजिक बजा के दिखाता हूँ कि आपको किस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आइए देखते हैं। स्थाई अंतरा और म्यूजिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरे द्वारा बताया गया लेसन समझ में आया होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर यानी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।